हेलो गाइज, आप कैसे हो? आप सभी का चैनल में फिर से स्वागत है। आज अपन अध्ययन करेंगे पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाली डिसकंटिन्यूटी अर्थात असमानताओं के बारे में। इससे पूर्व वीडियो में पढ़े थे पृथ्वी की विभिन्न आंतरिक परतों के बारे में आपने पढ़े। पृथ्वी मुख्य रूप से एक परत पाई जाती है जिसका नाम है भूप्रपाटिक कृष्ट प्रदेश है। इसके बाद दूसरी है मेंटल है और तीसरी आप कोर है। अतः भूप्रपाटिक जिसे सियाल सिलिकन एल्यूमिनियम की बनी हुई है, मेंटल जो कि सिलिकन मैग्नीशियम जिसे सीमा कहा जाता है, कोर जिस जो कि निकल फेरस से बनी हुई है जिसे कि कोर या निप्पे कहा जाता है। ये परतें हैं अगर जो कि मनुष्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों के आधार पर पता लगा है कि पृथ्वी के अंतर्गत विभिन्न लेयर पाई जाती है और लेयरों के मध्य भी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, असमानता पाई जाती है, ट्रांजेक्शन क्षेत्र पाया जाता है। उस ट्रांजेक्शन क्षेत्र से तात्पर्य दो परतें आपस में जहां ज्वाइंट क्षेत्र होता है उनके मध्य भाग को असमता या डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। तो आइए, ये आपके सामने जो चार्ट बना हुआ है, अभी मैंने ये चार्ट बनाया है डिसकंटिन्यूटी का। सबसे पहले समझ लेते हैं कि कष्ट प्रदेश है, फिर उसके नीचे मेंटल है और कोर है। कष्ट प्रदेश को दो भागों में बांटा गया है जिसका नाम है अपर कष्ट अर्थात ऊपरी कष्ट और निचला कष्ट अर्थात लोअर कष्ट। इस पर मेंटल को भी दो भागों में बांटा गया, एक का नाम अपर मेंटल और लोअर मेंटल अर्थात ऊपरी परिवार और निचला परिवार या ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। इस प्रकार कोर को भी दो भागों में बांटा गया, एक का आउटर कोर और एक इनर कोर। अर्थात जिस प्रकार ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं अर्थात पृथ्वी के गर्भ में जाते हैं तो ऊपर सॉलिड पार्ट है, फिर द्रवित भाग है मेंटल और फिर है सॉलिड है। अर्थात ये भाग सॉलिड है जो जिस पर महाद्वीप और महासागर पाया जाता है। अतः महासागर का अधिक भाग होता है, 30 किलोमीटर मोटाई महासागर होती है, महाद्वीप होता है, महासागर 5 किलोमीटर के एरिया में कष्ट प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। इसका मेंटल है वो पिघली अवस्था में जिस पर सियाल तैर रही है, अतः सीमा पर सियाल तैर रही है। अब ये जो भाग है जो कोर है अंतरतम भाग है, ये भाग पिघली अवस्था में ऊपर का भाग सो क्या नाम लिक्विड है और अंदर का भाग जो गैसीय रूप में लेकिन वो सॉलिड है अर्थात कठोर चट्टानों से निर्मित है, कठोर धातु से निर्मित है जिसमें कई प्रकार के निकल और फेरस पाए जाते हैं। ये चुंबकीय प्रभाव के रूप में काम चुंबकीय शक्ति का कार्य करते हैं। तो ये आपके सामने एक अपनी जो पृथ्वी है जिसको जियोड आकृति में गोलाब की आकृति में लगभग गोलाब की आकृति में है, ऊपर से चिपटी चिपटी आता नॉर्थ पोलर और साउथ पोल की तरफ ये चिपटी हुई है और ध्रुवों पर क्या है ध्रुवों की तरफ ये उभरी हुई है। तो अब इस पृथ्वी में इस प्रकार की आकृति अपने बनाई जिस प्रकार अपन कहीं जाते हैं, कहीं क्या नाम है कोई किसी दुकानदार से तरबूज खरीदते हैं सब्जी मंडी में जाकर और तरबूज वालों कहते हैं कि ठीक है साहब हमें एक तरबूज दे दीजिए और उस तरबूज को पहले जांच करते हैं, जांच करवाते हैं कि इसको जांच करके लेंगे। तो वो इस प्रकार की एक शेप काटता है चाकू से और इस चाकू के माध्यम से काट कर इसमें बनाता है। ऊपर का जो भाग है ग्रीन होता है, फिर अंदर जाते हैं व्हाइट कलर का होता है, फिर अंदर जाते हैं तो उसको रेड कलर का होता है। तो मान लेता है ठीक है अपना तरबूज अच्छा है आप पैक कर दीजिए हम इसको ले जाएंगे। इस पर अपने पृथ्वी के अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार की स्वभाव की चट्टाने विभिन्न रंगों की चट्टाने पाई जाती है, कोई कहीं सॉलिड है, कहीं द्रवित है, कहीं ब्लैक कलर की है, कहीं रेड कलर की है और अंदर का वह क्या अधिकांश से पिघला हुआ लेकिन वो सॉलिड पार्ट के रूप में गिना जाता है, कठोर चट्टानों से कठोर धातु से निर्मित है। अब इसमें जो अपन डिसकंटिन्यूटी कहा कि डिसकंटिन्यूटी का क्या है अभी बताया था मैंने कि दो आपकी क्या है दो परतें हैं, एक का नाम है कष्ट है, एक का मेंटल है। कष्ट और मेंटल के बीच का ट्रांजेक्शन एरिया जहाँ दोनों के गुण पाए जाते हैं उस भाग को असमानता या डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, असमानता या डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। तो अब आए चलते हैं विभिन्न वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या नाम बताएं इसकी डिसकंटिन्यूटी बताई है। इसका एक सूत्र है सीधा सा मैंने यहाँ लिख दिया, इससे पहले वीडियो बनाया था इसलिए नीचे लिख रखा है। इसका सूत्र है काना मोहे रंग ना लगा, 5 असमानताएं पाई जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम वगैरह में कि अपर कष्ट और लोअर कष्ट के मध्य कौन सी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, इनर कष्ट और इनर कोर और आउटर कोर के मध्य कौन सी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, असमानता पाई जाती है, बताओ कौन सी लेयर है ट्रांजेक्शन एरिया है पृथ्वी के गर्भ में पाया जाता है। तो इसका सूत्र है कौसे
कोनाड हो गया, मोसे मोहे मोहे विकी के नाम के विद्वान ने किया, तो मोहे विकी को रेप से रेपिटी हो गया। तीसरी इसी प्रकार जैसे गुटेनबर्ग नाम के विद्वान ने इसकी खोज की, तो गुटेनबर्ग हो गया। अब ये लैसे लहमान हो गया। इस पर पांच प्रकार की डिस्क्यूनिटी है, एक स्क्वायर, दो तीन चार और एक पांच। ये पांच प्रकार की डिस्क्यूनिटी था यहाँ दे रखी। एक नंबर एक हो गया, फिर दो हो गया, फिर इसी प्रकार तीन नंबर रेपिटी हो गई और चार नंबर गुटेनबर्ग हो गया, पांचवा नंबर लेमान हो गया। इस प्रकार ये जो पांच डिसकंटिन्यूटियां आपके सामने दे रखी है, अब इस डिसकंटिन्यूटी को मैं बताता हूँ आपको एक बार। देखो कृष्ण जो प्रदेश है उसको विद्वानों दो भागों में बांटा, एक का नाम अपर कृष्ण, एक का लोअर कृष्ण। ऊपरी कृष्ण प्रदेश और निचला कृष्ण प्रदेश। ऊपरी कृष्ण में एक विद्वान हुए भूवैज्ञानिक जिनका नाम कौन राड नाम का विद्वान है, उसने गहराई में अध्ययन किया और गहराई में अध्ययन करके बताया कि ऐसे कहा कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो सॉलिड पार्ट तो होता है, साथ साथ तापमान वृद्धि होती है और डेंसिटी भी बढ़ती रहती है, गर्म भी होती है चट्टाने नीचे की तरफ जाते हैं और लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, रूप में पाई जाती है। तो इन दोनों के मध्य जब उन्हें पता लगाया कि इनके मध्य एक ट्रांजिशन एरिया है, दोनों के गुण रखता है, तो उसका नाम दे दिया कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। इसी प्रकार फिर आगे बताया कि दूसरी पहली डिसकंटिन्यूटी क्या हो गई आपकी, कोनार्ड। नंबर एक डिसकंटिन्यूटी का नाम कोनार्ड, जो मैंने यहाँ लिख रखा है नंबर एक डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। किन किन के मध्य है, अपर कस्ट और लोअर कस्ट के मध्य है। सेकेंड अब अपन चलते हैं, फिर ये कस्ट लेयर है आपके सामने, कस्ट लेयर है और ये मेंटल लेयर है। कस्ट लेयर का निचला जो भाग है इसका नाम है लोअर, यहां लिख देता हूं लोअर कस्ट, LOW या लोअर कस्ट, अतः निचला कस्टीय भाग, और ये अपर मेंटल। तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के मध्य, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के मध्य मोहेविकिक नाम के विद्वान इसके बारे में खोज की कि इसके अंदर गहराई में जाने पर इस प्रकार की परतें पाई जाती है, इस प्रकार का ट्रांजेक्शन एरिया संक्रमण क्षेत्र है जो दोनों का गुण रखता है, उसके नाम पर मोहेविकिक असमानता या मोहे डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ ले कि कष्ट लेयर और मेंटल लेयर के मध्य कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, तो कष्ट और मेंटल के मध्य डिसकंटिन्यूटी का नाम है मोहेविकिक। मोहेविकिक नंबर दो हो गई, ठीक है। दूसरी जो यहाँ आपने दो दो नंबर यहाँ लिखा है, ठीक है। अब इसी प्रकार फिर आगे चलते हैं, मेंटल को भी विद्वानों ने, भूवैज्ञानिक ने, जियोलॉजिस्ट ने दो भागों में बांट दिया, एक का नाम अपर मेंटल, एक का नाम लोअर मेंटल। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के मध्य रैपिड जो विद्वान था उसने अध्ययन किया कि इनके मध्य कुछ असमानता पाई जाती है, असांतत्य पाई जाती है, डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, और उसका नाम रखा, क्या नाम रखा, रेपिटी डिसकंटिन्यूटी, जो आपके ये सामने दे रखी है रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। तो ये नंबर होगी थर्ड, तीसरे नंबर जो कि मैंने यहाँ लिखी है, थर्ड नंबर की डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी थर्ड हो गई रेपिटी। अब पूछे कि रेपिटी डिसकंटिन्यूटी किनके मध्य है, या मेंटल लेयर को अलग करने वाली डिसकंटिन्यूटी का क्या नाम है, तो आपको बेसिक बोलना है कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल के मध्य है रेपिटी डिसकंटिन्यूटी या रेपिटी असमानता, रेपिटी असमानता, रेपिटी असमानता पाई जाती है। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट विद्वानों ने बताया कि ठीक है इनके मध्य तो हो गई, लेकिन और भी है। अब और क्या, और अंदर गहराई में चले गए विद्वानों ने, और अंदर गहराई में कहा कि मेंटल और कोर के मध्य, मेंटल लेयर है ये यहाँ तक और ये कोर है, मेंटल और कोर के मध्य एक और असमानता पाई जाती है जिसको नाम डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। उन्हें गुटेनबर्ग नाम के विद्वान ने, अतः गुटेनबर्ग नाम के विद्वान ने इसके बारे में अध्ययन किया, तो इसलिए इसको कहते हैं गुटेनबर्ग असमानता। कौन से नंबर की हो गई, चार नंबर की असमानता हो गई, याद रखिए गुटेनबर्ग असमानता, ये चार नंबर की हो गई गुटेनबर्ग असमानता डिसकंटिन्यूटी, अतः जिसे डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी किन किन के मध्य पूछे कि वह है मेंटल और कोर प्रदेश के मध्य। कोई पूछ लेगा आपको, पूछ सकता है
कोर क्षेत्र पृथ्वी का आंतरिक भाग और मध्य भाग, द्रवित भाग है और ठोस भाग है, उनके मध्य कौन सी परत पाई जाती है, कौन सी असमानता पाई जाती है, तो उसका नाम है आपका, आपको भेजे को बोलना है गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग असमानता पाई जाती है। इसी प्रकार अगर क्वेश्चन दूसरा यही बन सकता है, लोअर मेंटल और आउटर, लोअर मेंटल और आउटर कोर, OUTER, लोअर मेंटल और आउटर कोर के मध्य, लोअर मेंटल, ये लोअर मेंटल है, ये आउटर कोर है, इन दोनों के मध्य कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, उसका भी नाम गुटेनबर्ग है, और मेंटल और कोर के मध्य भी उसका नाम भी गुटेनबर्ग है। इसी प्रकार ये चार नंबर हो गई। अब चलते हैं पांचवें नंबर, पांच डिसकंटिन्यूटी है, पांचवें नंबर पर है। विद्वानों ने कहा ये कोर है जो कि यहाँ से स्टार्ट है, जीरो से स्टार्ट हो रही है, और फिर मेंटल है, ये मेंटल जो आपकी जो पाई जाती है, यहाँ कोर है, ये 100 किलोमीटर तक है गहराई में, अर्थात कष्ट है, और ये आपका जो मेंटल लेयर है वो 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है, 2900 किलोमीटर तक की गहराई पाया जाता है। अब ये जो आपका कोर है, रेडियस है जो पृथ्वी का, वो 6370 किलोमीटर की गहराई में पाया जाता है, 6370 किलोमीटर की गहराई में जो कोर है वो 6070 किलोमीटर की गहराई में। अब ये कह रहा है कि 2900 से लेकर 2900 किलोमीटर से लेकर और 6300 किलोमीटर की जो गहराई है पृथ्वी के अंदर, इनके मध्य भी असमानता पाई जाती है, अतः जिसे कोर प्रदेश कहा गया, अतः आंतरिक भाग कहा गया, जो ऊपर का सॉलिड है, द्रवित है और अंदर का लिक्विड है, अंदर का जो भाग है वो सॉलिड है, ऊपर का लिक्विड है, ऊपर का जो भाग है आउटर कोर वो द्रवित अवस्था में, अंदर का भाग सॉलिड अवस्था में। इसके दो पार्ट कर दिए, आउटर कोर और इनर कोर, अतः आउटर कोर और इनर कोर, आउटर कोर इनर कोर है, अतः बाह्य कोर और आंतरिक कोर। क्वेश्चन पूछे कि पृथ्वी की आंतरिक परत कौन सी है, तो वह है अंतरतम परत का नाम है कोर, आंतरिक परत। अभी आंतरिक कोर है, इन और आउटर कोर के मध्य लेहमन असमानता पाई जाती है, लेहमन डिसकंटिन्यूटी, लेहमन डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। तो इस प्रकार ये आपकी पृथ्वी के अंतर्गत पाए जाने वाली पांच डिसकंटिन्यूटियां हैं जिनका आपने विस्तार से अध्ययन किया। अब इस प्रकार आपको अगर कोई इसमें कोई प्रॉब्लम हो, जो भी हो, आपको ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।